I'ma bust it, I'ma hit, I'ma have to bust a clip. I'ma bust it, I'ma hit, I'ma have to bust a clip. I'ma bust it. तो आज हम आ चुके हैं रांची के डोरंडा कॉलेज में, जहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है आरयू इंटर कॉलेज बॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट। तो चलिए डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा जी से बात करते हैं। सर, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है रांची यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेज हैं, कंस्टिट्यूएंट हो, एफिलिएटेड हो, माइनॉरिटी कॉलेज हो, सभी टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। जिस भी कॉलेज की टीम अच्छी होती है वो अपने टीम को पार्टिसिपेट कराती है। तो उसी में जो इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट है वो होस्ट करने की जिम्मेवारी डोरंडा कॉलेज रांची को दी गई थी, जिसमें कि 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी फाइनल लाइन ड्रॉ हो चुका है, फाइनल डोरंडा कॉलेज रांची और सेंट जेवियर कॉलेज रांची के बीच खेला जाएगा 3 बजे से। सर, ये टूर्नामेंट तो हुआ, तो इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा रहा? बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, या वो लिफ्टिंग की बात की जाए वॉलीबॉल के हिसाब से, या फिर स्मैशिंग की बात की जाए, कुछ बहुत ही अच्छे लिफ्टर हैं, कुछ बहुत अच्छे स्मैशर हैं। अब क्या होगा कि आज हमारा सिलेक्शन भी होगा रांची यूनिवर्सिटी के लिए टीम का, जो टीम जोनल मैच खेलने के लिए जाएगी। तो यही प्रोसेस ही होता है। तो इसमें एक तो इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ, साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी इससे अपनी टीम भी तैयार करती है इन्हीं प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से, और वो जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो रांची यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा जोनल मैचेज में, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी मैचेज होते हैं। Best of